हेलो, कैसे आप? ठीक ये चूड़ीदार का रास्ता है। हाँ जी, ठीक। गाइस, इनकी फोटो सेशन हो चुका है और इनके पीछे ही सामने हमारी डेस्टिनेशन है जहाँ हमें पहुँचना है। सो गाइस, विकर्स अपना आ रहे हैं और यहाँ पे बर्फ देख सकते हो आप, ऊपर से लेके और नीचे तक पूरी बर्फ है। एक स्लाइडिंग पड़ी है पूरी, और शायद इसमें स्लाइडिंग की है या कोई गिरा है, ऐसा हो सकता है। तो गाइस, ट्रैक कुछ इस टाइप का है, खतरनाक वाला। ये आ चुके हैं पीछे सब, और गाइस बर्फ पड़ रही है, बर्फ। तो गाइस, हम रीच कर चुके हैं यहाँ पे और हवाएं चली बहुत ज्यादा, और हमने शूज खोले तो पैर हमारे बिल्कुल कुछ ठंडे हो चुके हैं। हेलो मारवी, कैसे आप सारे? मैं आपका मार्टिन, और आप देख रहे हैं मारवी चैनल। सो होपफुली सब बढ़िया, और हम जा रहे हैं आज चूड़धार। तो ये हमारी गैंग है आज पूरी साथ में। तो अभी हम समोगा से निकल रहे हैं, रात को हम आ चुके थे। तो यहाँ के फूल के खेत नीचे विक्की के, बाकी मौसम आज कुछ गंभीर सा है। तो गाइस, अब निकल चुके हैं मोगा से नौराधार की तरफ, और यहाँ से नौराधार 10-15 किलोमीटर है। बाकी मौसम आज बहुत ज्यादा गंदा है। बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ आज। तो गाइज, हमें ट्रैक में मिला है एक वाटरफॉल, जो कि आपने देख भी लिया क्लिप में, बट में है यहाँ पे साथ ही। पहले बहुत ज़्यादा आता था। बाकी ये रही हमारी गैंग, ये आयुष है, श्रेया मेरी वाइफ, उसके साथ विक्की, विक्की की वाइफ सपना, और हमारे जीतू भाई। ये जा रहे हैं आज हम चूड़धार। तो हमारे गाइड रहने वाले आज विक्की जी हमारे। आज मैं चूड़धार ले जाऊंगा, तो ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा जहां से दोबारा भटके। सो गाइस, तू सारा छोटू ले तैयार। सो गाइस, हमने सामान ले लिया है सारा, और अब हम यहां सामने पीछे जो गेट है वहां से निकलेंगे चूड़धार की तरफ। बाकी अभी शॉप पे सामान ले रहे भाई मेरे सारे। बाकी आयुष कर रहा है अभी पूरी तैयारी, कैसे कैसे सामान ले जाएंगे। ये के बैग है, बाकी ये हमारी महारानी अभी खाली है, इनको अभी भोजन चखाएंगे हम सिर पे। बाकी ये कम जीतू भाई लाए दो दूर से, अभी चश्मे सारे खुलेंगे जब अभी बैग उठाने पड़ेंगे। दो बंदे भी सामान ले रहे अंदर, हमारे कैशियर है, पैसे देने का दुख सामने दिख रहा है शक्ल पे बंदे की। सो गाइस, ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका था, अभी हम गए थे इंस्टाग्राम पे लाइव। बाकी आपको लोकल गाइड दिखाते हैं हम। ये हमारे लोकल गाइड है जो नीचे से चढ़ रहे लेट लेट के। बाकी आपका भाई बना शेरपा, पूरा बैग बुक उठा के जा रहा है बीजेपी वाले क्रिकेटर को प्रमोट करते हुए। ये हमारे वोटर, ये हमारे वोटर जी यहाँ पे। हाय, हेलो हेलो, इनका मूड ऑफ है, खड़ी सीधी। ये अभी शपक है, ये अभी बीजेपी वालों को देख के शपक हो चुके हैं के फिर आई कोई वोट मांगने। ओए इधर इधर इधर, कैसा है कैसा है तू लालू, कालू का बच्चे कैसा हैगा? नहीं बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हम, चीज लाना भूल गए हैं। चलो चढ़े साथ चढ़े,
कालू वही तो तेरे दोस्त, मैं नहीं हूँ। तो शुभी का दूसरा चेहरा मिला है हमें यहाँ पे। आपको मेरा नाम कैसे लगा पता? हेलो करो पहले, हेलो करो पहले, हेलो कैसे आप? ये चूड़दार का रास्ता है? हाँ जी ठीक। चीजी खानी आपने? चीजी दो बहन को इसमें से। क्या चीजी दी? दे दो कुछ एप्पल, एप्पल दे दो जी इनको। बीजेपी वाले बांटते हुए, बीजेपी वाले यहाँ पे वोट वोट के चक्कर में बच्चों को सेब देते हुए। इनके लिए बिस्किट लाना भूल गए हम, एप्पल ही लाए हम, वो खा जाएगा, वो एप्पल खा जाएगा आपका। बाय बाय। ये देखिए लोकल के हरकत है, यहाँ पे हमारे को गाइड करने की जगह झूला झूल रहे हैं। पीने का पानी कहाँ पे? यहाँ पे हाँ पीने का, ये नलके में आ रहा है। सो गाइस हमारे साथ धोखा हो चुका है, यहाँ पे तो रोड निकल चुका है और इन लोकल बंदों को ये बात पता ही नहीं थी। देख लीजिए शक्ल इनकी, मोए 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 मोए। देखिए गाइस कौन कहता है, बंदे भूखे मर रहे, बेरोजगारी यहाँ पे, पेड़ पार्किंग लगा के व्यवस्था चली हुई है सरकार के द्वारा बंदों की कमाई की। ये हमारे उत्तराखंड वासी, उत्तराखंडी जोश दिखाते हुए। मैं सामने रास्ता होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है लड़की को, इतनी ज्यादा थकावट हो चुकी है। ये है लिंगुड़ा गाइस। सो गाइस अभी हम पहले पॉइंट पे नहीं पहुंचे और लोकल बंदे इस तरह से थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। एक यहाँ पे तो यही छोड़ दो। एक बंदे अभी से ही भगवान को याद लगा करने की सफर पूरा करवा दे हमारा। हम यहाँ से यही तक आए बस अभी। देखने को कैसा लग रहा, यहाँ से यहाँ तक आए सिर्फ अभी। हमारे बीजेपी वाले पूरा वोटों की तरफ ध्यान देते हुए इस बच्चों को सेब बांटते हुए। ऐसे करते थे पुराने टाइम में ही। ये अभी तक बिल्कुल कूल है। जय हिंद। जय, ये भी कूल ही है अभी तक। बाकी शेरपा भी आपका जिंदा है। बैग रख लो नीचे, वैसे क्यों टांगा हुआ? शेरपा एक बार बैग उठा ले तो नीचे नहीं रखता। बाकी हमारा लोकल है जी, ये फूक मार के हवा उड़ा रहे हैं, फूक मार के हवा उड़ा रहे हैं ये। मैलेज बना रहेगा, एक आगे चलेगा कि पीछे जाएगा ना, मैलेज बना रहेगा क्या? अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट भी नहीं आया है और उससे पहले हमारे थकावट हो चुकी है हल्की हल्की। बाकी पीछे जनता आ रही है, बाकी बाहर की व्यू देख सकते हैं आप गाइस, कुछ ऐसे यहाँ के व्यू है। बाकी रास्ता ट्रैक जो मैं लास्ट टाइम आया था तो कच्चा था, पक्का बन चुका है। ताऊ बनेंगे, ये ताऊ बनेंगे, ताऊ बनेंगे, ये ताऊ बनेंगे। गाइस एक बार फिर से धोखा होते हुए हमारे साथ, हम 5 किलोमीटर आ चुके हैं और हमें फिर से सड़क दिख रही है और बहुत दुख हो रहा है। बाकी व्यू देख सकते हैं आप पीछे, एक नंबर है। आप मौसम देख सकते हो पीछे कैसा मौसम हो चुका है, बहुत ही खतरनाक सा मौसम हो चुका है, बारिश का पूरा बन चुका है। बट हमारा ट्रैक जारी है, टेंट लाना था हमने बट इसी वजह से टेंट नहीं लाए कि कहीं बारिश हुई तो टेंट उठाना पड़ेगा, वो नहीं फिर लगा पाएंगे हम बारिश की वजह से। और शेरपा को वैसे ही इतना कुछ उठाना पड़ रहा है और वो भी नहीं उठाना पड़ता, वो भी मुझे उठाना पड़ता फिर, क्योंकि तकलीफ भी मेरी हो रही थी टेंट लगाने की फिलहाल। तो बाकी देखते हैं ऊपर ही करेंगे स्टे लास्ट में जाके, बाकी बीच में अगर बना कुछ भी प्रोग्राम तो देख लेंगे जैसा भी सही होगा। बाकी पीछे चली हमारी जनता। गाइस हमारी यहाँ पे हुई थी एक रिफ्रेशमेंट, कल हमने वहाँ स्टे किया था, वहाँ पार दिख रहा है वो देखो, वहाँ पे कहाँ पे वो वहाँ पे यहाँ से जस्टिफाई नहीं उधर को
उधर उधर सामने पार्क उस साइड को कटी हुई उस साइड को लाल सा छत दिख रहा है चादर सा। सो गाइस ये ट्रैक भी न्यू बना है अभी अभी कुछ साल ही हुए क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम बाद आए यहाँ पे ट्रैक करने और गेट भी अभी न्यू बना है यहाँ पे सामने दिख रहा है। बाकी यहाँ पे कोफरी भी हैगी एक तालाब जिसमें नलका लगा के पानी भरा जा रहा है। सो गाइस ये बना है न्यू गेट यहाँ पे ये हमने न्यू देखा है यहाँ पे इसमें भालू है मोर बना है एक और एक चीता बना है गाइस। बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इस पे क्या लिखा है। अभी हम जंगलों की चढ़ाइयाँ कर रहे हैं ऊपर की ओर और सबसे अहम मुद्दा है वो पानी का है तो अभी हमें सबसे बड़ी चुनौती रहेगी पानी ढूंढने की। तो आज मैन वर्सेस मैन वुमेन सब आई सब कुछ हो जाएगा आज तो आज हम मुद्दा हमारा पानी का है हमें पानी ढूंढना होगा सबसे पहले जाके हमें पानी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नमकीन भी है बोतल भी है पर पानी नहीं है और मैगी भी सूखी सूखी खाने का मजा नहीं आएगा बिना पानी के पानी सबसे अहम है जो हमें ढूंढना पड़ेगा। फिर वही बात हो जाएगी फैंटा वाली मैगी खानी पड़ेगी डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। सो गाइस ये देख सकते हो आप सामने व्यू बहुत ही प्यारा और जैसी हल्की हल्की हवा चली है उसकी वजह से बादल भी हट रहे हैं। जा रहा है ब्रास का फूल लेने अपनी बहन के लिए पूरा रिस्क उठा रहा है। तो जी वाह जी वाह फूल आ चुका है वाह जी वाह ये आपके लिए पता इससे टूच लीजिएगा हाँ काफी बनाते हम इसको गिराने वाले करवाने को भी ले लो। तो गाइस हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं और हवा चली है बहुत ज्यादा बाकी अभी थकावट नहीं है किसी को स्टार्टिंग में हुई थी उसके बाद खत्म हो चुकी है। अब सबके चेहरे खिले खिले से लग रहे हैं स्पेशली सपना का चेहरा बाकी अब हम पहुंच के अगर हम पानी की सुविधा मिल गई वहां पे तो हम मैगी बनाएंगे जैसे बाकी ऐसे चेहरे लोकल कौड़े लोकल तो बताओ कितना बचा हम पानी की खोज में बहुत दूर दूर भटके हैं और यहाँ पे कोफरी खाली बताइए गाइस अब हम पानी का कैसे जुगाड़ करेंगे। ओह नो ये तो खाली है आ जाओ आगे ढूंढते हो ये लोकल गाइड भी किसी काम के नहीं हमारे इनको पानी का पता ही नहीं है कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं हम जी हम नहीं है यहाँ के हम तो बिहार के ये परवाणु कह चुके हैं अब सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सेकंड पॉइंट पे फाइनली पीछे वाला हमारा थोड़ा भूलेखा हो गया था भूलेखा अब यहाँ पे हम बनाएंगे मैगी हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है और हम टेंट नहीं लाए हैं हम बैठेंगे पत्थरों के नीचे पहाड़ों में मैगी। सो गाइस हमारी मैगी बन चुकी है और अब हम मैगी खाएंगे बैठ के सारे बंदे किसने बनाई मैगी मैगी बनाई मैंने मैगी बनाई है गाइस मैगी ब्रेक हो चुकी है हमारी और अब हम यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से हम चल पड़े हैं दोबारा से बाकी यहाँ पे गाइस बैल ही बैल है बहुत सारे
फाइट भी हो सकती है इनके बीच में अभी। गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो गाइस अर्की बॉयज लाइक करिए हमारी वीडियो को। नाम भी है बंदों के, नंबर भी डाल के बंदे यहाँ पे। अच्छा ऊपर ही फंस गया पर नहीं थे। सो गाइस जंगल वाला ट्रैक हमारा कंटिन्यू है अभी, और अभी चले हम बीजेपी की तरफ से वोटें मांगते हुए अपने आयुष के लिए। बाकी हमारे विक्की जी चले यहाँ पे, ये हमारे आज बोटिए बने हैं। खाने खाने पीने की सारी जिम्मेवारी इनके पास ही है। राशन पत्ता, राशन पत्ता भी इनके पास ही हमारा। बाकी अभी हम थर्ड जो रेस्ट वाला पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पानी भी मिल चुका था, मैगी हमने खा ली थी। बाकी दिक्कत बीच में एक आई कि हम आग जला रहे थे बढ़िया, अपने सुमड़ी में बैठ रहे थे साइड में, पर हमारी आग बुझा दी गई, हमारे अनुमानों पे पानी फेर दिया गया। बाकी हमें मना कर दिया गया कि तुम छोटे बच्चे तुम आग मत जलाइए। कुछ इनकी इनकी हरकतों की वजह से हमें मना हो गई आग ना जलाने के लिए। सो गाइस बने रहिए इस छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। सो गाइस हम पहुंचे एक और डेस्टिनेशन पे अभी जाते जाते, यहाँ पानी है। और बाकी हमारी गैंग जीतू भैया विक्की गया ऊपर पानी देखने, जिसकी याद में शायद ये बनाई गई है। वो एक बार यहाँ पे एक लड़की गुम हुई थी चूड़धार में, तो वो काफ़ी साल बाद मिली थी, शायद उसी की लड़की की याद में ये बनाई गई है जगह पानी के लिए नीचे। अगर किसी को गाइस ये स्टोरी पता है तो ज़रूर बताइएगा जो मैंने बताई, ये वाली चीज़ें वो बनाई हुई भी। बाकी ये रही लोकेशन। सो गाइस ट्रैकिंग कंटिन्यू हमारी, और काफ़ी ज़्यादा कर चुके हैं हम। 8 किलोमीटर रहा है अभी ट्रैक करने के लिए लास्ट मंदिर के लिए। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं तीसरे पॉइंट पे। यहाँ पे शराय है थोड़ी बहुत, नीचे कैंपिंग कर रहा है कोई इंसान, बाकी पार्क व्यू देख सकते हो आप। तीसरा पॉइंट क्रॉस करते हैं, हमें बर्फ़ मिल चुकी है यहाँ पे फाइनली। ताजी ताजी है, मत करो जल तो गई। सो गाइस अब फाइनली हम पी रहे हैं कॉफी, और आयुष यहाँ पे कर रहा है तैयारी आज लाने की। बाकी दो महारथी हमारे वहां बैठे हैं, विक्की ने करी है लकड़ी इकट्ठी, और ये हमारा नकारा भाई एक यहाँ पे बैठा है कच्चे आला चड्डी पहन के फूल खिलाया इसको पूरे सफर में। इसको पूरे सफर में भाई को खाने से फुर्सत नहीं एक को हमारे। बाकी ये रहे हमारे भाईजन। बाकी गाइस यहाँ बर्फ, हमारे पास कोल्ड कॉफी का ऑप्शन भी है पर आयुष ने आग जला दी तो हम हॉट कॉफी पियेंगे। सो गाइज अभी हमारी कॉफ़ी रेडी हो रही है, काफ़ी देर लग चुकी है। आयुष जी ने पूरी हिम्मत बांट रखी है यहाँ पे, एक हमारे बंदे पीछे बैठे हैं, ये है चिपान जी। चिपान जी नमस्कार जी, नमस्कार। बाकी यहाँ टांगे टांगे ठंडी फिर रही है। डॉग दिखाओ। बाकी यार डॉगी आ गया है एक बढ़िया सा। सो गाइज कॉफ़ी रेडी है हमारी, और अब जस्ट कर रहे हैं हम और करते हैं इसको फिनिश, उसके बाद करते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट दोबारा से। सो चीयर्स। यस खतरनाक वाली ट्रैकिंग करते हुए हम
बाकी नज़ारे कुछ ऐसे यहाँ पे, जहाँ से बारिश का भी मौसम हो चुका है, बर्फ़ पड़ी है और सामने हमारी डेस्टिनेशन है। खुशी भी है, थकावट भी है, कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ भी है चली हुई। सो गाइज, आप देख सकते हो कि बर्फ़ पड़ रही है और हमें एक बढ़िया सी जगह मिली है बैठने के लिए। बाकी बर्फ़ पड़ी भी है यहाँ पे और अभी भी हल्की हल्की पड़ रही है, देख सकते हो गाइस। ट्रैक कुछ इस टाइप का है, खतरनाक वाला। ये आ चुके हैं पीछे सब और गाइस बर्फ पड़ रही है, बर्फ। सो गाइस देख सकते हो आप कितनी मुश्किलें हैं यहाँ पे, और हवा से हिल रहे हैं पूरी तरह से, और ये हमारी ट्रैकिंग चल रही है अभी तक की, खतरनाक वाली। तो गाइस हम रीच कर चुके हैं यहाँ पे और हवाएं चली बहुत ज़्यादा, और हमने शूज खोले तो पैर हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं।